तो संघ की ड्रेस बदल गई है। संघ की ड्रेस में हुए इस बड़े बदलाव के चलते अब निकर की जगह पतलून ने ले ली है। पतलून के रंग को लेकर भी काफी विचार हुआ था, लेकिन आखिर में खाकी रंग पर सहमति बन गई। हालांकि काले रंग को लेकर भी माथापच्ची हुई थी, लेकिन आखिर में मोहर खाकी पर लगी। लेकिन इस बदलाव के पीछे रणनीति क्या है, ये समझना भी बेहद जरूरी है। संघ ने भी जरूरत पड़ने पर परिवर्तन किए हैं और शने शने अलग अलग तरीके से गणवेश हो या कई आधुनिक उपकरण हो उनके साथ परिवर्तन कर समाज में जुड़ने का काम किया है। खुद संघ का कहना है कि हम समाज का हिस्सा हैं, इसलिए समाज जिस तरीके से अपनाएगा उस तरीके से उनके साथ आप साथ होकर साथ रहेंगे, क्योंकि समाज का हिस्सा होने के लिए आज की जरूरत थी कि युवाओं को जिस तरीके से पैंट जो है वो पसंद थी, निक्कर से परहेज किया जाता था, तो संघ ने अपने गणवेश में परिवर्तन कर युवाओं के साथ साथ समाज से समाज में घुलने और मिलने का ये एक अहम प्रयास किया है। संघ के नए ड्रेस कोड को डिजाइन करते वक्त ये ख्याल रखा गया कि वो आधुनिक भी हो और ट्रेंड के मुताबिक भी हो। ये भी कोशिश की गई कि व्यायाम, मार्शल आर्ट या फिर ड्रिल करने के दौरान भी पतलून आराम दे रहे, लेकिन लोगों के जहन में ये सवाल तो था ही कि संघ निकर के बदले ट्राउजर को तरजीह क्यों दे रहा है। इस बारे में तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं, जिसमें एक तो उत्तर भारत की ठंड को जिम्मेदार माना जा रहा था और दूसरा युवाओं को आकर्षित करने की जरूरत को। लेकिन इस गणवेश में बदलाव का एक जो सबसे अहम कारण है वो है सबको साथ लेकर चलने की कोशिश। संघ नित्य बढ़ रहा है और संघ को आज समाज में विलीन होना है, तो संघ के संस्थापक ने शुरू में ही कहा कि संघ को अपने को समाज व्यापी बनाना है, कोई समाज में अलग संगठन नहीं बनाना। इस दृष्टि से नए नए परिवर्तन करते हैं, एक सहज परिवर्तन है। संघ की जो नेकर है ये भी मॉडर्न, उस समय कोई समाज में नेकर नहीं पहनी जाती थी, लेकिन 90 वर्ष से आप सब समाज ने आइडेंटिफाई की नेकर संघ की एक आइडेंटिफिकेशन है, तो उस समय भी मॉडर्न ड्रेस थी। आज की जो समाज की जो ड्रेस है वो पैंट सामान्य वेश में उस तरह से पैंट रखा है, और भी कोई आगे आवश्यकता होगी तो करेंगे। संघ ये दावा करता है कि उसके साथ आने वाले युवाओं की तादाद लगातार बढ़ रही है, लिहाजा उनकी पसंद का ख्याल रखना जरूरी है। संघ 2004 के बाद से ही नई पीढ़ी के नेताओं को कमान सौंपने के साथ बदलाव की राह पर है और बदलाव के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत और सर कार्यवाह भैया जी जोशी समर्थक हैं। ऐसे में संघ अपना चोला बदलने के साथ बदलाव की नई बयार की तरफ बढ़ रहा है। क्या ये प्रासंगिक और आधुनिक होने की कोशिश है? छंती छंती ये खबरें भी आ रही हैं कि संघ अपनी प्रचार शैली में आधुनिकता का बड़ा इस्तेमाल करने जा रहा है। इसके लिए बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट तैयार किए जा रहे हैं। इस वक्त चाहे वो गौमांस का मुद्दा हो या फिर राम जन्मभूमि का, असहिष्णुता या फिर भारतीयता का, कोशिश ये की जा रही है कि स्वयंसेवक हर मोर्चे पर लेख लिखकर, कमेंट कर, पोस्ट करके अपनी राय रख सकें। हम आपको बता दें कि संघ के प्रचार विभाग ने सोशल मीडिया में सक्रिय स्वयंसेवकों की टीम बनाई है, जिनकी अखिल भारतीय स्तर पर बैठकें होती हैं और इस टीम को जिला स्तर पर सक्षम करने की तैयारियां हो रही हैं। के अंदर जो संघ के शीर्ष नेतृत्व जो बात तय करता है वो संघ के संसद को सर्वमान्य रहती है। इससे पहले भी संघ के गणवेश में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। पहले मिलिट्री वाली ड्रेस थी, पहले लॉन्ग बूट थे, पोंगली पट्टी हुआ करती थी,
सने सने उन्हें परिवर्तन हुआ। पहले चमड़े की बेल्ट थी, अभी 2 साल पहले चमड़े की बेल्ट की जगह रेजिन की बेल्ट आ गई है। अब जो निर्णय हुआ है खाकी की जगह ये डार्क भूरे रंग की फुल पैंट हो गई है, जुराब भी उसी के रंग के हो गए हैं। तो संसद ने ठीक उसे इसको स्वीकार किया है, इसमें कोई संसद के बीच में किसी प्रकार कोई विरोधाभास नहीं है। और विशेष तौर से जो युवा पीढ़ी है जो कहते हैं कि नेकर को पहनने में सहज महसूस करते थे, वो अधिक संख्या में इसकी ओर आकृष्ट होंगे ऐसा लगता है। और संसद के में इसके प्रति उत्साहित हैं काफ़ी, और पिछले कई दिनों से कार्यालय पर बड़ी संख्या में स्वयंसेवक नेकर पैंट लेने के लिए बराबर आ रहे हैं, और अपने इस पूरे प्रांत के अंदर भी बड़ी संख्या में पैंटें ट्रांसपोर्ट के द्वारा वैसे भी भेज रहे हैं हम। और इस बार का दसवीं उत्सव विशेष तौर से इस नए उसमें क्लेवर में रहेगा। इस दसवीं उत्सव संघ का स्थापना दिवस रहता है, इस दिन विशेष तौर पर शारीरिक प्रदर्शन, शस्त्र पूजा और रूट मार्च रहता है। तो इस बार ये नए गणवेश के अंदर रूट मार्च लोगों को, जनता को देखने को मिलेगा। विदेशों में कई जगहों पर संघ ने खोली ई शाखाएं। सोशल मीडिया एक्टिविस्टों की टीम हो रही है तैयार। हम आपको बता दें कि संघ डिजिटल दुनिया में अपने मुख्य कार्यक्रमों की टेलीकास्टिंग और वेबकास्टिंग के जरिए भी प्रचारित कर रहा है। पिछले साल टीवी चैनलों पर विजयादशमी उत्सव के दौरान सरसंघ चालक के संबोधन का लाइव प्रसारण किया गया था। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि संघ ने अपने एजेंडे में युवाओं को खास तौर पर तरजीह दी है और युवाओं को साथ लाने में इस गणवेश की बड़ी भूमिका रहने वाली है। हाफ पैंट को लेकर युवाओं में जो हिचक थी यकीनन पतलून से दूर होगी, और जिन तकनीकी कारीगरों को संघ अपने साथ जोड़ना चाह रहा है वो भी संघ के गणवेश के चलते उससे जुड़ पाएंगे। जयपुर से अभिमन्यु सिंह राजावत, इंडिया न्यूज, राजस्थान। वक्त एक और छोटी सी ब्रेक का है, जल्द वापस लौट रहे हैं।